हेलो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट्स एग्रो बेस इंडस्ट्री। एग्रो बेस इंडस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है? कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, सुगर, पेपर, मतलब जो चीज़ अपने को एग्रीकल्चर में से प्रोवाइड होती है वो कैसा हो गया? एग्रो बेस इंडस्ट्री हो गया। एक्सेट्रा इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द एक्टिविटी बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर, मतलब ये सब का जो रॉ मटेरियल है जैसे कॉटन का हो गया, जूट का हो गया, सिल्क वूलन टेक्सटाइल हो गया, सुगर हो गया, पेपर हो गया, वो सबका रॉ मटेरियल अपने को कहाँ से ऑप्टेन होता है? एग्रीकल्चर में से। इसके लिए अपने उसको क्या बोलेंगे? एग्रो बेस इंडस्ट्री। अब थोड़ा थोड़ा इसमें डीप में थोड़ा स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट हो गया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन मतलब तुमको कॉटन से अवेयर हो, मतलब कपड़ा। गारमेंट्स इंडस्ट्री हैज़ अ इम्पोर्टेंट प्लेस इन द इंडस्ट्री इकोनॉमिकल ऑफ इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिकली इंडिया में अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लेस हो तो वो कौन सा है? गारमेंट इंडस्ट्री है। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 3.5 करोड़ पीपल। ये इंडस्ट्री अबाउट 3.5 करोड़ पीपल को क्या देती है? रोजगारी देती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ इंडस्ट्री विच प्रोवाइड्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी है जो इंडिया में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट देती है। इंडिया होल्ड्स द सेकंड रैंक आफ्टर चाइना इन द एक्सपोर्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मार्केट। चाइना के बाद इंडिया का सेकंड रैंक है अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करने में, कॉटन एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, इट इज़ द मेन इंडस्ट्री फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड द एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो इंडस्ट्री है वो प्रोडक्शन के हिसाब से और एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से मेन क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है। फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश इन द मुंबई। कॉटन की सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? मुंबई में। और उसके बाद सापुर मिल्स एंड द कालिको मिल्स वेयर एस्टेब्लिश इन द अहमदाबाद इन गुजरात। इन द इनिशियल ईयर द कॉटन टेक्सटाइल मिल वेयर द एस्टेब्लिश इन द मुंबई एंड अहमदाबाद। दिस मिल वेयर द एस्टेब्लिश ड्यू टू द चीप कॉटन, अवेबिलिटी ऑफ द लेबर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, पोर्ट्स फॉर द एक्सपोर्ट, फेवरेबल मार्केट्स। मतलब इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी थी कि अपने चीप रेट में मतलब तुमको कॉटन भी मिल सकता है, लेबर को मतलब मजदूरी भी ज़्यादा मिलेगी, और मतलब कि ऐसा मतलब कि उन्होंने पोर्ट बनाया था जब अदर कंट्री में तुम उसको क्या कर सकते हो? एक्सपोर्ट कर सकते हो। सॉरी, टुडे कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड इन द अबाउट 100 सिटी ऑफ द कंट्री। टुडे कॉटन टेक्सटाइल मिल्स टोटल अपने कंट्री में कितनी सिटी में? 100 सिटी में स्प्रेड, मतलब फैली हुई है। टुडे कॉटन इंडस्ट्री आर फेसिंग द थ्रू द कॉम्पिटिशन ड्यू टू द फैक्टर लाइक द इनएक्वेटर सप्लाई ऑफ द बेस वेराइटी ऑफ द, मतलब अभी जो कॉटन इंडस्ट्री है वो थोड़ा कॉम्पिटिशन में आ गई है। वो किसकी वजह से? मतलब कि वेराइटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, मतलब वो सब में क्या है, मतलब कि वो कॉम्पिटिशन में आ गई है। इंडिया एक्सपोर्ट कॉटन टेक्सटाइल क्लोथ। इंडिया अपना कॉटन टेक्सटाइल क्लोथ कहाँ पर एक्सपोर्ट करता है? रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्री में अपना वो कॉटन क्लोथ क्या करता है? वो एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हो गया जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब जूट जो घूनी होती है, बैग होती है। ठीक है, जूट, जूट इज़ द सेकंड रैंक मेजर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। जूट का भी रैंक कौन सा है? सेकंड है। इंडिया होल्ड्स द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ द जूट एंड गुड्स मेड फ्रॉम द जूट। मतलब इंडिया का फर्स्ट रैंक है जूट की प्रोडक्ट्स बनाने में और उसका प्रोडक्शन करने में। इंडिया इज द सेकंड प्लेस आफ्टर द बांग्लादेश इन द एक्सपोर्ट ऑफ द जूट। बांग्लादेश के बाद इंडिया का कौन सा सेकंड प्लेस आएगा जूट का एक्सपोर्ट करने में? ऑफ द टोटल जूट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, ऑल ओवर कंट्री के सेकंड, मतलब कि सेकंड प्लेस क्या होगा? बांग्लादेश के बाद जूट का होगा। वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस अबाउट 80%, आंध्र प्रदेश अबाउट 10% एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन द बिहार। टोटल वेस्ट बंगाल जूट का 80% प्रोडक्शन करता है, आंध्र प्रदेश 10% करता है, और बाकी का जो रेस्ट है वो प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा, आसाम एंड द त्रिपुरा में। मच वाटर इज नीड टू प्योरीफाइड जूट, मतलब जूट को प्रोडक्शन करने के लिए पानी कैसे चाहिए? ज़्यादा चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन द बैंक ऑफ द हुगली रिवर। ज़्यादातर मतलब कि ये जो मिल्स है वो कहाँ पे हैं? हुगली रिवर के बैंक, मतलब हुगली रिवर के किनारे पे हैं। द इंडस्ट्री इज कॉन्ट्रैक्टेड इन द वेस्ट बंगाल ड्यू टू द चीप लेबर फोर्स, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कवरेज पार्ट ऑफ द एक्सपोर्ट फैसिलिटीज।
टुडे द डिमांड फॉर जूट हैज डिक्रीज, अभी जूट की डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज मतलब कम हो गई, बिकॉज ऑफ द अदर ऑप्शन ऑफ द पैकिंग पैकिंग मटेरियल के लिए दूसरे ऑप्शन आने की वजह से जूट की डिमांड की क्या हो गई, कम हो गई है. जूट इंडस्ट्री इज फेसिंग सच प्रॉब्लम लाइक द मोर कॉस्ट प्रोडक्शन एंड द डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ द जूट इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो गया है, उसका रेट बढ़ता जा रहा है और उसके सामने उसकी मतलब कि क्या है प्रोडक्शन, सॉरी उसका मतलब कि क्या है, उसकी डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है. उसके लिए इंटरनेशनल मार्केट में उसका रेट क्या होता है, बढ़ता गया हुआ है. नेक्स्ट हो गया सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सिल्क प्रोडक्शन हैज द लॉन्ग ट्रेडिशनल, सिल्क का जो प्रोडक्शन है वो लॉन्ग ट्रेडिशन से चलता आया हुआ है. आफ्टर चाइना इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन द सिल्क प्रोडक्शन. चाइना के बाद अगर सिल्क का प्रोडक्शन जो होता है वो कैसा है, सेकंड हो गया है. इन इंडिया फोर टाइप ऑफ द सिल्क्स आर प्रोड्यूस, इंडिया में चार टाइप का सिल्क बनता है, कौन कौन सा, मलबरी, इरी, तासार एंड द मूगा. टुडे देर आर अबाउट 300 सिल्क वेविंग मिल्स इन इंडिया. अबाउट 300 सिल्क वेविंग मिल्स क्या है, इंडिया में है. मेजर स्टेट प्रोडक्शन सिल्क आर द, मतलब ज़्यादातर प्रोडक्शन सिल्क का कौन से स्टेट करती हैं, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर. सिल्क क्लोथ्स आर एक्सपोर्टेड टू, अपने सिल्क को कहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोप, अफ्रीका, गल्फ कंट्रीज ठीक है ना. बिसाइड दूसरी तरफ अपने कहाँ पर, जर्मनी, सिंगापुर, यूएसए, कुवैत, मलेशिया एंड रशिया. इन इंटरनेशनल मार्केट इंडिया सिल्क इज द फेसिंग अ ट्रू कॉम्पिटिशन फ्रॉम द चाइना, मतलब इंटरनेशनल में अपने क्या क्या है, चाइना के साथ कॉम्पिटिशन में है सिल्क का एक्सपोर्ट करने में. नेक्स्ट हो गया वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज अ कॉटेज इंडस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ द वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ वेरी ओल्ड. मैक्सिमम वूलन टेक्सटाइल मिल्स आर इन कहाँ पे, पंजाब में और उसके बाद महाराष्ट्र में. देर आर द वूलन टेक्सटाइल मिल इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो, उत्तर प्रदेश में भी वूलन टेक्सटाइल मिल है. अहमदाबाद एंड जामनगर इज गुजरात आर द सेंटर ऑफ द वूलन क्लोथ्स. वूलन क्लोथ्स मतलब जो उनसे बना हुआ कपड़े होते हैं वो. अदर मेजर सेंटर ऑफ द बीकानेर एंड जयपुर इन राजस्थान, श्रीनगर इन द जम्मू कश्मीर एंड द बेंगलुरु इन द कर्नाटका, वहाँ पर मतलब कि वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अवेलेबल है. इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूस वूलन कारपेट्स, इंडिया वूलन का कारपेट्स भी क्या करते हैं, प्रोडक्शन करती हैं. वूलन क्लोथ इज एक्सपोर्टेड टू अमेरिका, कैनेडा, जर्मनी, फ्रांस एंड रशिया. नेक्स्ट हो गया सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री. द क्लोथ मेड फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड हो गया उसको बोलेंगे सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है. वो कैसे है, ड्यूरेबल है, डज नॉट रिटेन व्रिंकल, मतलब उसके ऊपर व्रिंकल करसली नहीं पड़ती है. हैंस दिस इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड द वेरी, मतलब उसकी वजह से मतलब वो क्या है, मतलब ज़्यादा डेवलप हुई है. मतलब जो क्लोथ सिंथेटिक में बनते हैं, मैन मेड है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, लॉन्ग टर्म चलते हैं, मतलब जिसके ऊपर व्रिंकल्स नहीं आते, इसकी वजह से मतलब ये इंडस्ट्री क्या है, ज़्यादा फैली हुई है. द कॉटन फाइबर आर मिक्स विद द सिंथेटिक फाइबर टू गेट द मिक्स वेराइटी ऑफ क्लोथ्स, मतलब कॉटन के अंदर अगर अपने ये सिंथेटिक फाइबर थोड़ा मिक्स करेंगे तो अलग अलग टाइप के मतलब वेराइटी ऑफ क्लोथ्स अपने को मिलेंगे. मेन प्रोड्यूसर ऑफ द इंडस्ट्री आर, मतलब ज़्यादातर प्रोड्यूसर इंडस्ट्री का कहाँ पे है, केरला, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एक्सेट्रा. अदर सेंटर्स आर, दूसरा सेंटर कहाँ पे है, सूरत, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, चेन्नई एंड मोदीनगर. शुगर इंडस्ट्री, मेकिंग जैगरी मतलब गुड़ फ्रॉम द शुगर कैन जूस इज वेरी ओल्ड इंडस्ट्री इन इंडिया, मतलब कि शुगर कैन के जूस में से जैगरी मतलब गुड़ बनाना वो पुराने टाइम से ही इंडिया में चलता आया हुआ है, पुराने टाइम से ये इंडस्ट्री इंडिया में अवेलेबल है. शुगर इंडस्ट्री स्टैंड सेकंड आफ्टर टेक्सटाइल इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया. टेक्सटाइल के बाद शुगर इंडस्ट्री सेकंड, मतलब कि सेकंड नंबर में आती है एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में. After the ripping the cob of the sugar cane, it has to be squeezed within the 24 hours for the amount of the water is not reduced. Otherwise, its sugar contents will be decreased. That is why sugar factories are located in near sugar cane growing center. मतलब कि जैसे अपने sugar को तोड़ते लेते हैं उसको मतलब कि 24 hours तक पानी में भिगा के रखना है ना, otherwise मतलब वो अगर सूख जाता है तो मतलब उसमें से मतलब शुगर मतलब कि ऑप्टेन होती नहीं है. इसके लिए जहाँ पे शुगर के खेत अवेलेबल होते हैं वहाँ पे शुगर फैक्ट्री तुमको इजीली अवेलेबल तुमको देखने को मिलेगी.
इन्हें हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगी? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात में। दिस इंडस्ट्रीज डेवलप इन द गुजरात। गुजरात में वो कहाँ पे हैं? बारडोली, गणदेवी, सूरत, नवसारी, व्यारा, भरूच, कोडिनार एंड द तालाला। पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, पेपर इज अ मेड ऑफ आउट ऑफ द सॉफ्ट वुड। पेपर मतलब किस में से बनता है? जो सॉफ्ट वुड होता है, लकड़ा होता है, उसमें से, बैम्बू में से, घास में से और मोलेसिस में से। इट इज प्रोडक्ट इन द, मतलब ये कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एंड द हरियाणा। स्टूडेंट्स, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अपने ने पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में अपने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ेंगे। थैंक यू।